गाइस जिसकी जिस चीज का वेट था वो हो गया, बर्फ पड़नी शुरू हो गई। अभी दिखा दो थोड़ी देर में जब माहौल बदलेगा। -6 डिग्री में बर्फ का पानी पता कैसे पिया जाता है। गाइस कपड़े बदलने आया था टेंट में, बर्फ पड़ी ऊपर, बहुत ज्यादा चुभ रही है यार। जो भी किदार आए ना भाई, और लेकर आ रहा कपड़े वपड़े सारी चीज भाई। ये तो बैठे हैं भैरव बाबा के पास, मैं चल दिया पहाड़ चढ़ने। ये पूरा पहाड़ उस चोटी तक जाएंगे जो ऊपर वो चोटी है ना। -6 डिग्री चल रहा है गाइस, 6 डिग्री। कैब में बैठ के पी जा रही, काफी सॉक्स सुखा रखी है, ऐसे गीली हो गई सारा सिस्टम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, ब्लैक कमांडो व्लॉग, डे 2 इन केदारनाथ। फ्रंट कैमरे में बना रहा हूँ, देख लो स्किन बिल्कुल जल गई है। और आज चलेंगे अभी कपड़े वपड़े चेंज करके, ये तो कल पहना हुआ था यही आउटफिट है, अभी चेंज करेंगे, हाथ मुंह धोएंगे। खैर मैं तो सुबह धो चुका हूँ पर फिर दोबारा धो लेंगे और फिर आज करेंगे दर्शन। बहुत बड़ी लाइन है, दिखाऊँ? गाइज मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता देता हूँ। ये शुक्ला कैंप में ये वाला जो कैंप है ना, ये तो हमारा कैंप है फ्रंट में। ये भैरव बाबा है ऊपर, हम यहाँ रुके हुए हैं, ठीक है। ये भैरव बाबा का रास्ता है वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर का, और वो रे केदार बाबा, और वहाँ तक जाने के लिए सुबह के 4 बजे से लाइन यहाँ से शुरू है। और ये पूरा ये इसके पीछे से घूम के फिर वहाँ से यूँ सीधी पैड़ियाँ है स्टेयर से, मतलब वो जो तुम रील्स में और उसमें देखते हो, और फिर सामने वहाँ जाके वहाँ दर्शन हो जाएंगे। लेकिन उसमें तुम्हें कम से कम लग जाएंगे 2-3 घंटे। तो अभी हमने एक पंडित जी से बात करी, एक जानकार हैं अपने, वो कह रहे हैं कि मैं करा दूंगा, और लिटरली जानकारी हैं सही में। तो वैसे तो हो जाते हैं दर्शन अगर किसी से बात करो, पर वो लोग मना कर रहे हैं जो मेन पुजारी होते हैं, पैसे ले लेते हैं। बट हमारा एक है कॉन्टैक्ट, वो एक भूपेंद्र भाई मिले थे, उन्होंने कराया, तो उनसे पूछते हैं। और फिर चलते हैं अंदर, कपड़े चेंज करते हैं, व्लॉग शुरू करते हैं, दर्शन करते हैं। अंदर फ़ोन अलाउड तो है नहीं, बट आपको पता है कोशिश कर लेंगे, पर लेकिन प्रे भी करनी है अंदर, तो फिर फ़ोन अलाउड नहीं है तो नहीं करेंगे, राज बाहर से ही बना लेगा। एंड चलते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सुंदर से नहाते हैं, नहा ही लेते हैं। 250 रुपये की बाल्टी मिलती है गर्म पानी की, तो नहा ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है तो फिर चलते हैं, और फिर सीधा वहीं मिलते हैं आप लोगों को बाबा के बिल्कुल गेट के बाहर। ओके, लव यू, जय भोलेनाथ, स्टे ट्यून्ड। और हाँ गाइज, एक चीज़ और बतानी थी, बर्फ़ भी पड़ने वाली है, कह रहे कि पड़ेगी अभी ऊपर अगर ऐसी बादल रहे तो, पर इधर हल्की हल्की धूप है तो उम्मीद हमारी थोड़ी टूट गई है। तो लेट्स सी, अगर पड़ गई तो मज़ा आ जाएगा। और जो भी दिवाली से आने से पहले सोच रहा है केदार आने की, भाई कपड़े बहुत सारे लेके आना अच्छी तरह, नहीं तो हवा ले जाएगी। क्योंकि अभी मैंने और राज ने ना मुंह धो लिया था, मुंह और हाथ, ये देखो ना, मतलब पानी ऐसे जा रहा, मुंह धो लिया था अभी गाइस हमने ना, मैंने और इसने सुबह उठ के यार मुंह तो धोते ही, जब तो गर्म थे हाथ, और धोते के साथ ही अकड़ गई उंगलियां पुंगलियां, ये तो मुंह हाथ धोवे ना भाई, तो पापा पड़ रहा है ये तो सीधे उसमें। जय श्री केदारा। तो गाइस जब कपड़े बदल के फिर सीधा चल रहे हैं, फिर वहाँ का सिस्टम दिखाते हैं। गाइस कपड़े बदलने आया था टेंट में, बर्फ पड़ गई ऊपर, बहुत ज्यादा चुभ रही है यार। जो भी किदार आए ना भाई, और लेकर आ रहा कपड़े वपड़े सारी चीज, अब अंदर टेंट में थोड़ी गर्मी करके फिर कपड़े बदल के फिर चलता हूँ। योरा मेरा बैग, योरा मार्शल, भाई मार्शल इतना ठंडा होगा ना, बैटरी इतनी ठंडी होगी कि ऐसा लगा जैसे, अब तो फिर भी ठीक है भाई, जब हाथ नहीं लगा सकते थे आप मार्शल का, अभी भी है ये वाला पार्ट जो बैटरी का है, अभी भी है वो। देखो वहाँ ऊपर बर्फ पड़ रही है, वो कह रहे हैं धीरे धीरे आ जाएगी, पर आप कपड़े पहन के आ जाओ पीछे से ना। ये देखो पूरा ये पीछे का जो है थोड़ा तड़ी, ये देखो कवच पहन लिया इसने। गाइस मैं तो हो गया फिट, और आज ब्लॉग करेंगे कुछ इस तरह, देख लो पीछे का व्यू, अब कर रहे हैं ना हम ठीक ब्लॉग। आउटफिट दिखाना जरूरी है, चले तो गाइस दर्शन टाइम।
दर्शन टाइम। गाइस बता रहा हूँ, कपड़े जरूर लेके आना, नहीं तो देखो ऐसे लाल हो जाओगे मेरी तरह। और ये तो फ्रंट कैमरे में बना रहा हूँ, फ्रंट कैमरे की थोड़ी क्वालिटी कम होती है 14 प्रो मैक्स की। बोले बाबा 15 तो आ दिए जाते ही। बाबा कौन है? संगोरी बाबा। कैमरा नहीं घुमाऊंगा यार, अच्छा नहीं लगता। तो भाई होली है तैयार, आवाज देखते हैं कितनी आ रही है सेल्फी स्टिक में। चले फिर दर्शन करते जल्दी जल्दी, ठंड लग रही है। गाइस बहुत बड़ी लाइन है देखो मेरे पीछे। तो ये पूरी वहां से आ रही है, भाई की जो स्किन आ रही है ना गाइस, देख रहे हो ऐसे ऐसे पकड़ के बस स्किन ही अब मेरी मेरी लाल हो गई है, लाल हो गई पूरी तरह, टमाटर स्किन ही हुई है और कुछ ना हुई। सोनू भी ऐसा लग रहा है, सोनू ऐसा ना लग रहा यहीं का हो। एयर बात करते हैं भाई साहब, होटल चाहिए, होटल मिल जाएगा भैया पर पर्सन 400 रुपए। अरे उस बात में बना सुशी चार होटल्स हुई यहां। तो गाइस अभी सोनू भाई कर रहा है जुगाड़, भीड़ देखो कहीं लाइन में से चुपचाप किसी से बात करके, या पंडित जी से बात कर लेते हैं, जो वो पंडित जी थे अपने उनसे बात करते हैं। ठीक है गाइस अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं, सारी चीजें बताता हूँ दिखाता हूँ। गाइस इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, कोई लाइन नहीं कुछ नहीं। हम तो भाई भीमशिला के पास आके खड़े हो गए, यहाँ इसके पीछे भीमशिला है, अभी जाएंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, कोई पर्ची काम नहीं कर रही, कोई लाइन काम नहीं कर रही, हद तोड़ भीड़ है। अगर हम तो यहाँ से ऊपर आके खड़े हो गए कि थोड़ी देर बाद करेंगे दर्शन, थोड़ा ठंडा माहौल हो जाए। बाकी जब चलेंगे अंदर रुका पड़ी जाना है। तो गाइस हम आ चुके हैं केदारनाथ के पीछे, और ये रही वो भीमशिला जो वहाँ से आई थी, और हमारे भीम जी ने ये शिला भेजी, और इसके बाद पानी हो गया था डाइवर्ट इधर और उधर, ना मंदिर को कुछ हो पाया क्योंकि भीम की शक्ति धूम मचाए। अरे बिल्लू फोटो ले ले। भीमशिला चंद्रशिला 2013 में जो बाढ़ आई थी ना उसमें आई थी ये, जिसको नहीं पता गाइस। गाइस जिसकी जिस चीज का वेट था वो हो गया, बर्फ पड़नी शुरू हो गई। अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में जब माहौल बदलेगा। ये कह रहा अभी बर्फ ना पड़ी। अरे बर्फ है ये, अरे भाई वो सही बर्फ नहीं है, स्नोफॉल ही कहते हैं। मतलब यहाँ पे पता क्या सीन है, जैसे ना अभी तक सब कुछ शांत था, ठीक है, जैसे ही मैंने भीमशिला पे हाथ लगाई ना गाइस, और वैसे ही बर्फ स्टार्ट हो गई। सही है ना या नहीं? गलत है। पॉइंट पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ से आ रही गाइस, उम्मीद उम्मीद थी हमें यहाँ से, बट आ यहाँ से रही है। मौसम बदल गया, हर सेकंड मौसम बदल जाता है। अगर तुम कोई भी चीज को ना भाई शिद्दत से चाहो ना, तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है। यस हमने बहुत बर्फ चाहिए थी सच में भाई, हल्की-हल्की तो होनी शुरू हो गई, मैं भी हो जाएगी देखना, मतलब बादल है यार, हर 15 मिनट में मौसम बदलता है। ये देख लो गाइस, अभी रेडी नहीं हुआ है ये प्रॉपर, लेकिन है बहुत अच्छा, मस्त बनाया है गाइस। कैप्चर कर रहा है तो ठीक है, ना कर रहा तो शुरू तो हो ही गई है। आई मेरी मेरी कैप पे आई, हाँ आई शुरू हो गई, आ गई, देख लो गाइस कैप पे आ गई होगी। मजा आने वाला है, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब है ना अपने घर बनाने लगे हैं, इतने फ्लोर का और ऐसे यार वो। खैर अपनी अपनी श्रद्धा है भाई, तो मेरी भी एक छोटी सी श्रद्धा है, वो कर ले। तो भाई फाइनली जो दिल में था, जो ख्वाहिश थी, वो तो भाई कंप्लीट हो गई है, देख लो। होएगी तेज हो जाए बस, और तेज हो जाए कटाक्का की। कमेंट करके जरूर बताना यार गाइस कि ये स्नोफॉल जो होती है ना, ये मतलब बेसिकली होती किस चीज है और कैसे होती है। भाई पहले तो मुझे लगा भाई कोई मतलब ऐसे बाबा की मूर्ति होगी, भाई साहब ये तो भाई गौरी बाबा, बाबा भाई साहब गौरी बाबा ही, देखो ऐसे होते हैं गौरी बाबा। टोपी हुई, टोपी सॉरी मेरी बाल अब तेज हो गई है वैसे तो यार, यानी तेज होएगी अभी और भी तेज होएगी। ऊंची ऊंची स्वाद गाइस, थक हारने के बाद ना पता ही क्या सीन हो रहा है।
बहुत बड़ी लाइन है भाई, बहुत लोग आ रखे हैं। अब कब करेंगे दर्शन भाई? हैं? अब दर्शन कब करेंगे? आ जाओ मैडम, बैठो आप, आप लोग बैठो, आ जाओ, हम तो खड़े होके भी खा लेंगे, सह लेंगे। यस भाई बताओ ना, क्या दर्शन कब करेंगे? दर्शन तो करके रहूंगा। अरे कब करेंगे भाई? अच्छा हाँ, बोले की मर्जी, बट करेंगे जरूर, है ना भाई। लाइन देखो ना इतनी बड़ी, अब कैसे क्या करें, बारिश भी कम होगी। ओ सॉरी, स्नोफॉल, बारिश ही कह लो। कड़ाका की स्नो पड़ रही है, कड़ाका की गाइस। और वो जा रहे हैं भैरव बाबा पे, हम भी जाएंगे। तो भाई अभी तो हमारा तो जो सिस्टम था वो तो हमने सोचा था कि भाई शाम को करेंगे, और शाम को ही करेंगे अब तो, क्योंकि अभी 2 घंटे में ना कपाट बंद होने वाली है। फिर वो कुछ करते हैं वो लोग, कुछ मतलब 3 से 5 बजे तक बंद रखते कपाट। अभी हम ये सोच रहे हैं कि अभी हम लोग एक बार ना भैरव बाबा का दर्शन करके फिर केदार बाबा का दर्शन करेंगे रात को। और देखो गाइस कौन मिल गए हमें मिल गए हैं जे एस पाजी इन द हाउस। तो भाई अभी प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, देखते हैं रात को अगर हम पॉसिबल हो तो रात को करेंगे दर्शन सारे पाजी वगैरह सारे पाजी। उसमें कर देंगे पार्ट्स में, जैसे हम 6 हैं तो हम कह देंगे चलो तुम 6 हो जाओ, कोई फैमिली 15 लोग है तो 5-5 के पार्ट्स में उनको डिवाइड करके कहते हैं आप कर। नहीं चढ़ गया भाई, हम भी चढ़ गए हैं, हम 11 बजे शुरू किया हमने वहाँ से, जहाँ लिखा था 16 किलोमीटर। हाँ जी, 11 बजे मैं पहुँच गया था 8 बजे तक, ये भाई पहुँचे 9:30 तक। 9:30 बस यहाँ से 1 किलोमीटर हमने हेलीकॉप्टर से थोड़ा पहले ले लिया। हाँ जी वहाँ कैंप्स हैं, वहीं ले लिया था मैंने तो। लेकिन यहाँ लगी है लंबी लाइन, चलो तो भैरव, चलो भैरव जाए, हम तो सेटल होंगे पहले भाई। अच्छा आप पहले कैंप ले लो, कैंप का जिम्मे के एटलीस्ट नाना धोना फ्रेश होना, हम तो उठ के आ गए ब्रश भी नहीं किया। चलो बढ़िया, ठीक है बच्ची, ओके मिलते हैं बाय बाय। है ना भैरव बाबा फाइनल हो गए फिर तो। भाई गए चुन्नी बांधने गाइस, भाई गए चुन्नी बांधने, कह रहा भाई जब रात को दर्शन करेंगे तो पहले चुन्नी बांध के आते हैं, उसके बाद अभी चल रहे भैरव बाबा। भैरव बाबा कहाँ पे हैं? भैरव बाबा यहाँ इसके इस घर के पीछे बैठे हुए, और भाई ने बांध दी चुन्नी। ब्रिज क्रॉस करके आ गए इधर, और यहाँ पे ना गाइस भंडारा लग रहा है, जिसको भी आना है यहाँ खा सकते हो। आज 23 अक्टूबर है, जो भी आएगा उसको भंडारा मिलेगा गाइस। और भाई पहुँच गए भैरव बाबा, क्या भाई बैल बजा दो एक बार भाई, ब्लॉग में तो आया ही नहीं। अरे ब्लॉग की लाख बजाऊंगा। हाँ चलो भाई, हर एक चीज़ रियलिटी होनी चाहिए, कोई भी चीज़ मतलब स्क्रिप्टेड नहीं होनी चाहिए। मैं 4 घंटे तक बैल बजाने लग रहा था। हाँ कोई नहीं भाई, मैंने कैप्चर नहीं किया, अब किया मैंने। चलो कोई ना, चलो भाई गाइस बाबा अभी चावे पहली भैरव पाओ फिर आओ। हाँ तो हम चल रहे अभी ऊपर, टांगे बहुत दर्द होने लग गई है गाइस, भोले यहाँ तेल दे रहे गाइस देख लो। अरे पूजा का तेल, पूजा का तेल वगैरह दे रहे हो गाइस। फाइनली पहुंच गए हम लोग भैरव बाबा के मंदिर। भाई जूते उतार दो यहाँ पे, ये रहना यह लिखा है, मैं भी बजा दूँ एक बार गाइस। ये लो आपको, आपसे भी बजवा देता हूँ मैं, बजवा दिया है, बजा लो आप लोगों भी। बहुत अच्छी वादियाँ हैं, बहुत अच्छा मौसम है, हर चीज़ फर्स्ट क्लास है। यहाँ आते एक सुकून सा मिलता है गाइस, दिल को बॉडी को हर एक चीज़, हर चीज़ पॉजिटिव है यहाँ पे। देखो यहाँ होती है पूजा गाइस, ये देखो जय भैरव बाबा की जय, जय भैरव बाबा की जय। एंड वहाँ पे सोनू के लिए छोड़ दियो बोरे केदारनाथ जी। भाई ये तो बैठे हैं भैरव बाबा के पास, मैं चल दिया पहाड़ चढ़ने, ये पूरा पहाड़ उस चोटी तक जाएंगे जो ऊपर वो चोटी है ना। तो चलते हैं गाइस, दर्शन की लाइन तो बहुत बड़ी है, तो इससे बेटर है ना कुछ कर ही ले, कुछ आप लोगों के लिए कर ले मेहनत, पहाड़ चढ़ ले, क्यों तभी तो आएगा मजा। पीछे देखो हेलीकॉप्टर,
और पूरी केदारनाथ वैली हेवन, लिटरली हेवन, एक नंबर। चढ़ते हैं टॉप पे जाके दिखाता हूँ व्यू। अभी यहीं से छोटा लग रहा है, बहुत ऊपर है, दिखाता हूँ आप लोगों को। ओके, अगर गिर गया ना तो सीधा नीचे है, कोई रेलिंग वेलिंग नहीं है, पर चढ़ेंगे आप लोगों के लिए करेंगे, पर चढ़ेंगे कहाँ से चेक करता हूँ। तो गाइस हाँ, कुछ दूर और स्नो फिर से शुरू हो गई पड़नी, बहुत ऊपर है भाई, लोग वहाँ तक चढ़े हुए हैं, दिखाऊँ देखो चटाके की स्नोफॉल हो रही है, लग भी रही है मुंह पे, हाय, पर कोई नहीं सह लेंगे थोड़ा। थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ, थक गया, आजा आजा चटाके। तो गाइस कुछ ऐसा व्यू है, हाँ वो फ्लैट ही है इसलिए मैं ही रुक गया, हाँ देख लो कहाँ बैठे हैं, ध्यान लगा लेते हैं थोड़ा। ओहो एक नंबर, एक नंबर है जी, फोन आ गया है जी, स्नो पड़ रही है खतरनाक जी। हाँ भाई सनम भाई का फोन आ गया गाइस, बोले थोड़ी देर 10 मिनट पहले कैसा माहौल था, कोई भी चीज को आप चाहो तो शिद्दत से, शिद्दत से दोबारा दोबारा किसी भी चीज को, अब किसी भी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो वो जरूर मिलती है, पूरी कायनात, पूरी कायनात उसको जुट जाती है यार, दोबारा बनाओ यार भाई, क्योंकि किसी भी चीज को हम शिद्दत से चाहे पूरी कायनात, तो पूरी कायनात उसको जुट जाती है मिलाने में, मिलाने में जो भी मानो। बर्फ आ गई मुंह में गाइस, एक नंबर भाई, भाई वाह, बोले अब दर्शन दे दो बस जल्दी, भोलेनाथ की देख ले इधर ब्लॉग बन रहा है मारना, देख ही नहीं रहा ना ये उठा 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 उठा, सुन भाई चलो यार इससे पहले उतरा ना जाए, चल दिए भाई हम तो नीचे ना, जूते फिसल जाएंगे, कोई कैप्चर मत हो जाइयो, व्लॉग बन रहा है गिरते हुए, कभी मैं ही हो जाऊं भाई, मजा आ गया भाई, मौज हो गई, जो फील अभी जो मैं कर रहा हूँ ना, जो हम कर रहे हैं भाई, आओ मस्ट विजिट हियर, जरूर एक बार तो लाइफ में आओ, और ऐसे मौसम में ही आओ भाई, बाय बाय बाबा, अगली बार मिलेंगे आपसे गाइस, ओ फोन पूरा स्नो में कर दिया, काड़ा भाई पूरा वाइट हो गया, देखो ना यार अभी कैसे आए थे और हम क्या हो गया, हर आधे घंटे में मौसम चेंज है गाइस, हाय शंभू अलाउड ना, मारे मारेंगे मारे हम तीनों आ चुके अंदर, आखिरकार हम दर्शन के लिए लग गए, पर कपाट बंद हो चुके, अब रात को करेंगे वैसे तो, पर कोई बात ना, लो भाई आगे बाहर, ओ भाई साहब अगर तुम कोई भी चीज को सिद्धत से चाहो ना तो पूरी कायनात तुम्हें मिलाने में जुट जाती है भाई, मजा आ गया, हो गए दर्शन, अब मेन अभी रात को भी करूंगा, एक मैंने बात करी है तो रात को भी करूंगा, अभी सॉक्स वॉक्स गीली होगी बिल्कुल पानी से, ठंड में आप जा रहे हैं अंदर, कॉफी पीते पकड़ना है यार, कॉफी भाई कोई गर्म गर्मा गर्मी कॉफी पिलाते हैं, हाँ कॉफी पी, चलो मिलते हैं फिर गाइस, ओके बाय गाइस, हम तो आ गए लंच कर रहे हैं ऐसी बर्फबारी में, यहाँ पे 2 दिन से ही कर रहे हैं, सिस्टम हैंग हो रखा है भाई, बोले बाबा ने मौज कर रखी है, तो खाना तो खाना खा लेते हैं, पेट पूजा करते हैं और फिर कैंप में चल के करते हैं रेस्ट, क्योंकि रात को है हमारी मेन मार्शन, अच्छे वाले मस्त वाले, लो भाई
कैंप लाइफ गाइस। डिग्री बता दो भाई एक बार, डिग्री क्या चल रही है? -6 डिग्री चल रहा है गाइस, 6 डिग्री, और कैंप में बैठ के पी जा रही है काफी, और सॉक्स सुखा रखी है ऐसे, गिल्ली हो गई सारा सिस्टम। बाकी गाइस बहुत ठंडा, मजा आएगा, लेकिन दर्शन भी हो चुके, सब हो चुके, अब एक आखिरी दर्शन बाकी, एक आखिरी दर्शन है, अब रात वाले वो करेंगे फिर निकलेंगे। भाई आग लगा दी भाई ने, मौसम खुल गया गाइस, हम तो सो गए थे 5-10 मिनट के लिए, टिकट ले लेते हैं रात के दर्शन की और फिर आपसे मिलते हैं। 2 hours later लो भाई आज शाम का व्यू, लाइट जा रखी है यहाँ पे, अभी आरती हो रही है, अभी चल रहे हैं अंदर, दिखाता हूँ मैं आपको शाम की आरती, ले लो। तो गाइस मेरे प्यारे छोटे भाइयों ने कर दिया है काम, टिकट ले लिया, टिकट दिखती है कुछ इस तरह की। टाइम स्लॉट क्या रखा? 12:30 तारा ब्याह हुआ है 12:30 गाइस ये है पर्ची, 5,000 रुपए की कटी है, क्योंकि हमारे साथ हमारे भाई ये भी छोड़ चुके हैं, और ये भाई है बोले बोले की पर्ची से आज हम पांचों करेंगे। आरती चल रही है गाइस, मस्त आरती, ले लो, गला खराब हो चुका बहुत ज्यादा भाई, आरती है ये हमारी और आप लोगों की भी, फिर अगले साल ही आया जाएगा। A few moments later. तो भाई रात के 12 बज रहे, 12:30 और भाई हम चल रहे, अपना टाइम आ गया भोले बाबा से मीटिंग का, तो जा रहे हैं अब अंदर, पर्ची दिखाएंगे, देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है, अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, पर बाहर तक कोशिश करेंगे, खाना भी नहीं खाया आज इसलिए, बाहर तक कोशिश करेंगे चल के दिखाने की। बाकी क्या बोले ना, आता सो गए थे हम तो, उठ गए अब, बहुत ज़्यादा ठंड है, -6-7 -7 देखा था, और भाई बता दूंगा अभी देख के दोबारा, लव यू। तो गाइस रात को कोई ऐसा माहौल है कुछ, और यहाँ पे लाइन लग रही है, अभी भी लाइन लग रही है, तो जाएंगे अंदर दर्शन करेंगे। 2 hours later आ गया नंबर, वी आर वेरी क्लोज, और ये ले लिया हमने प्रसाद हमारे बोले से, लेना है आपका, ले लिया मैंने, -6 degrees में बर्फ का पानी पता है कैसे पिया जाता है, ऐसे, क्योंकि अंदर जा रहे हैं ना गाइस, कुल्ला करना बनता है अंदर, फोन अलाउड नहीं है, तो प्लीज बेयर इट। अब हम जा रहे हैं अपने भोले से मिलने और शिवलिंग को प्रणाम करने, ताकि हमें ब्लेसिंग्स मिले और मेरे जो जो भी व्यूअर्स हैं उनको ब्लेसिंग्स मिले। लव यू। हर हर महादेव। तो फाइनली गाइज रात के बज रहे हैं 3, हमारे दर्शन हो गए हैं, बहुत बढ़िया, माला मिल गई, शिवलिंग शिवलिंग पर रगड़ रगड़ के लेके आया हूँ इनको, ले जाएंगे अंदर, एंड पीछे से यहाँ से चल भर लेते हैं, अमृत बताया गया है हमें, ये ले लिया छोटा सा रुद्रास अपनी बहन के लिए, नेहा के लिए, शिवलिंग पर से रगड़ रगड़ के और शिव के लिए। बाकी करेंगे वीडियो का एंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, एंड लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय भोलेनाथ। हो गए हमारे फाइनल दर्शन रात के, अब सुबह उतरेंगे नीचे फिर चलेंगे, इतने टिल देन लव यू ऑल, जय टुमारो। बिल्कुल हालत नहीं है ना बोलने की ना कुछ वो करने की, बस चुपचाप देख लो, डन हो चुका है हमारा केदारनाथ, आ जाओ बाबा के लिए एंकी वैंकी सब कुर्बान है भाई, हालत नहीं है गाइस, अभी उतर के आए हैं, बट क्या करें, करना तो है ही। बोल हर हर महादेव। जय श्री केदारनाथ। जय श्री केदारनाथ।
जय श्री केदारनाथ, जय श्री केदारनाथ, जय श्री केदारनाथ, जय श्री केदारनाथ हो गया पूरा। गाइस होटल लेते हैं, बाय, सी इन द नेक्स्ट वन, अगले कंटेंट में मिलते हैं। केदारनाथ जरूर करना, पैदल करना, देखते हैं किसमें कितना है दम।